हे हाय ऑल, कैसे हो आप सब? तो मॉर्निंग में जल्दी कैसे उठे हैं? जैसे कि आप टाइटल से समझ ही गए कि आज हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। तो मोस्टली ये जो टॉपिक होता है ना, मतलब सुबह उठने के लिए किसी ने कह दिया तो हम लोगों को ऐसा लगता है बस हमारी जान ही निकाल ली है, मतलब बस कोई उठाए नहीं। लेकिन रियलिटी ये है कि इसके बहुत सारे अपने आप में इतने सारे बेनिफिट हैं कि हम लोग, मतलब मैं आपको भी बताऊंगी वीडियो में कि क्या क्या है, मतलब उसके बेनिफिट किस तरीके से हैं। लेकिन उससे पहले, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन जानने से पहले ये जानते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, आखिर क्यों हम लोग सुबह नहीं उठ पाते, उसका पहले रीज़न जान लेते हैं। और उसके बाद मैं आपको 3 टिप्स दूंगी जिसमें ये रहेगा कि मतलब उससे आप 101% ये बहुत वर्क करेगा और आपको सुबह उठने से कोई नहीं रोक सकता। बस इसमें आपका एक एफर्ट लगेगा, वो है कि आप अपने अंदर से फिक्स कर लो कि मुझे सुबह उठना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उठना है तो मुझे उठना ही है। उसके लिए मैं आपको 3 टिप्स देने जा रही हूँ, ठीक है? तो उस टिप्स से पहले जान लेते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, हम सुबह क्यों नहीं उठ पाते। तो कुछ इस तरीके के रीजंस होते हैं, जैसे हमारे रात को लेट नाइट तक मोबाइल को यूज़ करना, ये तो आप सबको पता ही है कि आज के टाइम पे कुछ नहीं तो हम लोग यूट्यूब लग लेके बैठे रहते हैं, इंस्टा होता है, व्हाट्सअप होता है, ट्विटर होता है, इतने सारे सोशल मीडियाज़ हैं कि आप बस आपका पूरा टाइम उस पर अगर आप देना चाहें तो हमारी आंखें यहाँ तक बंद होती हैं, लेकिन फिर भी हम लोग मोबाइल का मतलब चेक करते हैं, अरे उसका मैसेज नहीं आया, अरे वो अभी भी ऑनलाइन है, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। कभी ये इंस्टा का नेटफ्लिक्स आ गया है, उसके बाद से तो हम और ज़्यादा बिजी हो गए हैं, बिना चिकन डिनर किए हमारी नींद नहीं होती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें बस दिमाग में चलता है, अरे एक एक वीडियो और देख लेते हैं, अरे एक छोटा सा चैट और है, एक किसी को रिप्लाई कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब लिटरली मोबाइल की बैटरी ट्यू ट्यू बोलने लग जाती है कि भाई अब तो तू बंद कर दे, ठीक है? हम लोग फैमिली के साथ होके भी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, इस तरह की सारी चीज़ें सिचुएशन रहती है। और जब हम सुबह उठते हैं तो फैमिली तो हमारा वेलकम कुछ इस अंदाज़ में करती है कि आइए आपका स्वागत है। हाँ, और वो स्वागत कैसे होता है तो सभी जानते ही हैं, कितने मज़ेदार होते हैं, इतने अच्छे अच्छे टॉन्ट होते हैं फैमिली के कि क्या बताएं। कुछ कुछ घरों में तो चप्पल जूते भी मिल जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ हो जाती है। और ये ऐसा नहीं है, इसमें जेंडर इक्वालिटी का जो हम लोग सुनते हैं ना, ये यहाँ पे परफेक्ट बैठता है। यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी पूरी तरीके से दिखती है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सबके लिए रूल बराबर है, मतलब सबको सुनना है। और सोने के लिए तो मतलब आप क्या बताऊँ कि नींद से प्यारा कुछ नहीं होता। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुबह उठना क्यों है, आप सुबह उठकर करोगे क्या, ठीक है? तो इस सवाल का जवाब भी मैं आपको थोड़े में अभी बता ही दूंगी, और बाकी इसके पहले टिप्स जान लेते हैं। तो पहला टिप ये है कि आप सोने से पहले जितना हो सके पानी पी लें, तो आपकी जब भी रात को नींद खुलेगी, मतलब सुबह का जो भी अलार्म लगाएंगे, जब आपकी आँख खुलेगी ना, तो आप सोना भी चाहोगे उसने तक आपको वॉशरूम जाना ही होगा, तो आप इतना तो नींद होश में आ जाओगे कि आप जाकर मतलब आपको सोना है या नहीं सोना है इसका डिसीजन आप ले सको। सेकेंड टिप ये है कि आपका जो अलार्म मोबाइल है उससे आप अपने आप से दूर रखें, ठीक है? जिससे मतलब अगर आप किसी ऊंची जगह पे रखेंगे तो और भी अच्छा है, जिससे आपको जंप करके उसे निकालना पड़ेगा, तो इसकी वजह से मतलब ऑलरेडी आपकी नींद टूट चुकी होगी। और लास्ट और थर्ड टिप ये है कि जल्दी सोने की कोशिश करें। अगर आप जल्दी सोते हैं तो ऑटोमेटिकली आप जल्दी ही उठेंगे। हाँ, मुझे पता है कि जल्दी सोना, नींद ही नहीं आती तो आप सोओगे कैसे, ठीक है? तो ये एक होता है कि आपको एक बैड नाइट लेना है, मतलब आप कितने बजे भी सो, 3 बजे सो, 4 बजे सो, बट एक फिक्स टाइम कर लो कि आपको 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे कब मॉर्निंग में जल्दी उठना है, तो वो टाइम आप फिक्स कर लो, मतलब उस टाइम आप उठ जाओ। और उस दिन आप दोपहर को मत सोना, कुछ भी हो जाए, चाहे आप पूरे दिन मूवी देखो, टाइम पास कर लो, जो करना है करो, लेकिन ट्राई योर बेस्ट कि आप मत सोना। ट्रस्ट मी, आपको शाम को जल्दी नींद आ जाएगी। ये 1 से 2 दिन खाली आपको ट्राई करना पड़ेगा, मैक्सिमम 3 डेज। चौथे दिन से आपको, मतलब 4 डेज से आपको अपने आप टाइम से नींद भी आ जाएगी, और मतलब ऑटोमेटिक आपकी आँख सुबह खुल जाएगी। ना यकीन हो तो इसको
पूरी तरीके से ट्राई करके देखना, क्योंकि हम लोग ये जो सुबह की रे होती है ना, सूरज की किरण, ये मिस कर देते हैं और ये सबसे खूबसूरत मोमेंट होता है। अच्छा, मैं आप लोग को कुछ टिप्स दे रही हूँ कि अगर आप सुबह उठना है तो पहले आप प्लान कर लो कि आपको दूसरे दिन में क्या क्या करना है। अगर आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होगी तभी ये वर्क करेगा, क्योंकि मतलब ऐसे आप नहीं बोल सकते कि हम सुबह उठना है, लेकिन आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए। आप सुबह उठ के एक्सरसाइज कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, योगा कर सकते हो। वैसे भी अभी लॉकडाउन का पीरियड है तो आप इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करो अपनी फिटनेस के लिए, या कुछ आपको अच्छा खाना वगैरह खाने का, या कुछ बनाने का शौक है, या कुछ नया सीखने का शौक है, उन चीज़ों को, एक्टिविटी को अपने साथ ये कर लो। और अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, UPSC या कोई स्टेट PCS की, तो उसके लिए तो सुबह उठने से आपका जो शेड्यूल है वो बहुत अच्छे से आप उसको मेंटेन कर सकते हो, आपका दिन उससे बड़ा हो जाता है। ठीक है, आपका अगर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये सब अगर आप टाइम से करते हो तो आपके पास हेल्दी बॉडी रहेगी, स्किन आपकी अच्छी रहेगी, मतलब हर चीज़ों से आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। और सुबह का जो आप पानी वगैरह पीते हो तो उससे उस आपका जो स्टमक होता है वो पूरी तरीके से साफ़ हो जाता है, तो पिंपल्स या मतलब गैस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती। ट्राई ज़रूर करना, यकीन मानो 101% ये वर्क करता है। ठीक है, यकीन ना है तो प्लीज़ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 दिन ट्राई करके देखना। ठीक है, अगर मान लोगे तो हार है और मान लोगे तो जीत है, ये आपके मानने के ऊपर है कि आप जीत रहे हो या हार रहे हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। घर पे रहें।